UKG class. So again we are going to take revision of Hindi, English and Maths. All subjects. लेकिन बहुत easy है ना. अब तो आपको लग रहा होगा अरे क्या क्यों सिलेबस आगे नहीं बढ़ रहा है ना. तो चलिए जल्दी से बढ़ाएंगे रिवीजन करें. पहले वाक्य बनाइए. जी आपका वर्ड है आम. आम से बनाइए. लेकिन जो मैं बना के दिखा रहा हूँ वो नहीं बनाना, कोई और बनाना है. ओके. तो मैं बनाऊंगा आम का रस पी. ठीक है, ताकि आपने जो मात्राएं कवर करी है ना वही आ जाए उसमें. नेक्स्ट है पपीता, तरबूज, गुलाब, चिड़िया. तो फिर आप भी बनाइए नया. ओके. और इसके बाद मैम, इसके बाद है आपका श्रुतलेख यानी डिक्टेशन. आज के एक वर्ड्स बताइए. आज आपके वर्ड्स हैं पाठशाला. पाठशाला. ओके. पान. पान. बारिश. बारिश. झिलमिल. झिलमिल. ओके. बिजली. बिजली. दिवाली. दिवाली. गुलाब. गुलाब. नुकसान. नुकसान. भालू. कितने सारे हैं मैम. बस अभी लास्ट है भालू. भालू. और उसके बाद लास्ट है डमरू. डमरू. रा पे कैसे लगानी है बड़े ऊ की मात्रा, इसका खास ध्यान रखना है. तो ठीक है, एक बार और सुन लीजिएगा वीडियो को, तो आप अच्छे से लिख पाओगे ना. रिपीट करके देखना है. अब चलते हैं स्मार्ट ब्रेन मैथ्स पेज नंबर 106 एडिशन. तो ये तो आपको मैंने सिखाया है बहुत बार. देखिए बुक में 2 + 2 = 4. पहले 2 लाइंस, फिर 2 लाइंस, फिर सबको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4. ये ट्रेडिशनल वे है. और इसमें रफ वर्क के लिए जगह दी है ना, तो आप लाइनें खींच ली. मुझे पता है आप मेरे तरीके से करोगे तो आपको दोनों की लाइंस नहीं खींचनी होती है ना. लेकिन अभी इसमें क्योंकि स्पेस दिया है रफ वर्क के लिए, तो लाइनिंग खींच लीजिएगा. ठीक है. 5 + 4 तो क्या हो जाएगा 9. यस, एक बार करके देखेंगे. नेक्स्ट करते हैं सर. 5 + 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यहाँ लिख दीजिए 11. तो मेरा तरीका इजी था ना, कम टाइम लेता था वो. उससे भी करके देखना कि क्या सेम आ रहा है या नहीं. ओके. चलिए अब नेक्स्ट पेज. ओके, ये कंप्लीट करेंगे आप. नेक्स्ट 107 ऐड एंड राइट. देखिए यहाँ पे सर वाला तरीका काम आएगा क्योंकि रफ स्पेस नहीं है. यस, 3 + 1 तो 3 बड़ा डिजिट है. बस यहाँ से स्टार्ट करने हैं. और कितने स्टेप आगे जाना है मैम. अरे मैम भी सीख गए हमारा तरीका. देखिए मुझे भी आ गई मैथ्स. तो 3 के बाद बस 4 आ गया यहाँ पर 4. नेक्स्ट 5 + 4 अब मैम बताइए कौन सी डिजिट से स्टार्ट करेंगे इसमें. सर सोच लो मैं थोड़ा सा पहले. 5 भी बड़ा है सर. बिकॉज 5 इज बिगर. 5 से स्टार्ट करेंगे एंड 4 स्टेप्स आगे चलेंगे. 5 6 7 8 9. सो आंसर इज 9. ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस करने. ठीक है. इसके बाद भी कुछ है मैम. यस, इंग्लिश में डिक्टेशन. लेकिन कुछ कम वर्ड्स दीजिएगा. आपने हिंदी में बहुत रेल चला दी. ओके. ठीक है बताइए. सो लास्ट टाइम हमने मदर तक कर लिया था. कॉक. कॉक. कॉक जो होता है हेन का मेल. ओके. कॉक. किंग. किंग जो होती है क्वीन का मेल. लायन. लायनेस का मेल. लायन. हैन. हैन कॉक की फीमेल हैन. क्वीन. किंग की फीमेल क्वीन. एंड लायनेस. लायन की फीमेल लायनेस. देखिए मैम ने आपको इसी बहाने जेंडर्स भी करा दिए है ना. बस 6 वर्ड्स. ठीक है अभी तो मैं ही रोक देता मैम को. तो बस इतना ही है, इससे करिए. और स्पेलिंग्स लर्न करनी कंपलसरी है. मम्मा से नहीं पूछनी. और मार्क्स भी लीजिए. मम्मा से कहिए इसमें मार्क्स दे दीजिए मुझे है ना. चलिए ओनली दिस. ओके बाय बाय.